न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर गुजरात से 1,134 मजदूरों को लेकर मंगलवार को गोरखपुर पहुंची तीसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। थर्मल स्कैनिंग के बाद रोडवेज की बसों से भेजा गया उनके घर। सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम। यात्रियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। कुशीनगर में कोरोना पॉजिटिव की सुरुई के गांव पहुंचे कमिश्नर डीआईजी। पूरे गांव को कराया सील। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी व एसएसपी ने किया नंदनगर में टीवी हॉस्पिटल में बने L1 अटैच हॉस्पिटल का निरीक्षण। महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का जायजा। अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों को दी चेतावनी। डीएम द्वारा कतिपय दुकानों को खोलने के निर्देश के बाद पास बनवाने वालों की लगी कतार। एडीएम फाइनेंस ने कहा आवश्यकता अनुसार सभी का बनेगा ई पास। यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए राजकीय रेलवे पुलिस है तत्पर। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आई यात्रियों को पहुंचाया गया उनके गंतव्य तक। एसपी रेलवे ने कहा पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है जीआरपी। जिलाधिकारी द्वारा कुछ जरूरी दुकानों के खोलने की अनुमति के बाद महानगर की सड़कों पर बड़ी आवाजाही। लोग नहीं कर रहे लॉकडाउन का पालन। कोविड वॉरियर्स के लिए बनाए गए सैनिटाइजर मशीन का डीएम कार्यालय में किया गया प्रदर्शन। 24 घंटे तक कोरोना वॉरियर्स को रखेगी सुरक्षित। शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मंगलवार से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुले जाने के अनुमति के बाद महानगर में 11 बजे से खुली स्टेशनरी इलेक्ट्रॉनिक सहित चश्मा की दुकानें। कोरोना के संक्रमण के बचाव के लिए गीडा के उद्यमी ने डीएम को दिया सैनिटाइजर। कहा संक्रमण से बचाव में आएगा काम। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने अनाथ बच्ची के जन्म दिवस के अवसर पर शेल्टर होम में रह रहे दिव्यांग बच्चों में बांटी खुशियां। साथ में मनाया जन्म दिवस। मंगलवार को मौसम ने फिर बदली करवट। आंधी के साथ हुई बारिश। गिरा तापमान। अभी दो दिनों तक बारिश होने के अनुमान। और लॉकडाउन के तीसरे चरण में दूसरे दिन छूट मिलते ही महानगर में उमड़ी जनता की भीड़। महानगर के प्रमुख सड़कों पर दिखा चहल पहल।